यूक्रेन के कार्गो शिप पर रूस का विनाशक हमला, यह वेपन शिप थे जिन पर हमला हुआ है। भारी धमाकों में हथियार से लदे जहाज तबाह हो गए। यूक्रेन के इलीचेविस्क पोर्ट पर इस्कैंडर मिसाइल से हमले हुए। हथियार उतारने के दौरान रूस ने किया अटैक। कार्गो शिप पर 15 दिन में रूस का तीसरा बड़ा हमला है। इस सब के बीच में सीधा आइए एक और बड़ी खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं। आप सीधे फ्लोर पर आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन को नेटो वेपन से हमले की परमिशन, ब्रेक करिए। रूस के अंदर तक विध्वंसक हमला कर सकता है यूक्रेन, उन्होंने कहा है हमला करना लीगल है। नेटो के नए चीफ मार्क रूटे का बड़ा ऐलान, मार्क रूट है वैसे उनका नाम, कानूनी तौर पर हथियारों का इस्तेमाल संभव है। नेटो चीफ ने कहा है रूस के अंदर लंबी दूरी के हथियारों से हमला, नेटो चीफ ने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए ब्रेकिंग और मार्क रूट का जो बयान है उसका एम्बियंस आप करिएगा, जरा दिखाइए। नेटो के हथियारों का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज मिसाइल तक हो सकता है, इन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े होकर कहा है जब ज़ेलेंस्की वहां पर मिलने आए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री से। नेटो की न्यूक्लियर जंग की फाइनल तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सीमा के पास न्यूक्लियर जंग का अभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए रूसी न्यूक्लियर नीति में बदलाव का ड्रिल से जवाब, 13 देशों की 2000 सेना और 60 एयरक्राफ्ट शामिल, बेल्जियम और नीदरलैंड्स करेंगे ड्रिल का नेतृत्व। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह दोनों ब्रेकिंग, एक तरफ लंबी दूरी के हथियारों की बात, दूसरी तरफ यह वॉर ड्रिल जो पहले वाली ब्रेकिंग है विजय उसके बगल में दिखाइएगा। और सीधे चलिए यहां पर अपर गोप्रो के पास और मैं चाहूंगा एक बार आइए जरा यहां पर, न्यूक्लियर ड्रिल से नेटो का रूस को जवाब, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, रूसी सीमा से 900 किलोमीटर दूर नेटो, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा विजय जो इससे पहले वाली है, 900 किलोमीटर दूर नेटो दिखाएगा न्यूक्लियर ताकत। रूसी न्यूक्लियर नीति में बदलाव के बाद नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल, इस वक्त की बड़ी खबर। स्टेडफास्ट नून 2024 सोमवार से शुरू होकर 2 हफ्ते तक चलेगी। स्टेडफास्ट नून का नेतृत्व बेल्जियम और नीदरलैंड्स करेंगे। नेटो अपने 8 सैन्य बेस पर न्यूक्लियर जंग की तैयारी करेगा। 13 देशों की 2000 सेना और 60 एयरक्राफ्ट अभ्यास में शामिल है। अभ्यास में न्यूक्लियर बॉम्बर्स और फाइटर जेट दिखाएंगे ताकत। न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर नेटो महासचिव मार्क रूट ने दावा किया है दुश्मन जान ले कि नेटो किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने यह कहा